मोस्ट वायरल सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट जो आज की डेट में है एथेंस में 2 इंच का प्रोजेक्टर। सारे एंड्रॉइड्स TS7, T5, TS9, 464, कारप्ले सब अवेलेबल है। डेटा 2024। उसके बाद आ गया हमारे पास थार का प्लेयर 10.33, 3.4, 4.8, PD चार्जर, डबल USB, USB प्लस PD। ये थार का आर्मरेस्ट है हमारा 9.66 इंच। फ्रंट एंड बैक टच में ये एडास फीचर के साथ एक USB हमारा रिकॉर्डर है जो एंड्रॉयड के साथ चलेगा। गाइज आज हम एक और स्टॉल कवर कर रहे हैं जिसपे जो प्रोडक्ट रेंज है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऑटो एक्सपो 2024 सूरत से। अगर हम बात करें क्राउड की तो क्राउड बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्राउड का जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा रहा बिकॉज ऑफ सैटरडे। अगर हम बात करें संडे की तो भाई संडे को और भी ज़्यादा क्राउड आपको देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कि क्या कुछ प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर स्टॉल पे हमें देखने को आज मिलेंगे। एक बार अपना नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम रुचिर है और आप आ जाए हैं एथेंस के स्टॉल पे ऑटो एक्सपो में सूरत में जो लगा है 2024 में। सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ डेटा 2024 का 10.33 का प्लेयर। उसके बाद मोस्ट डिमांडिंग, मोस्ट वायरल, सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट जो आज की डेट में है 2K स्क्रीन के साथ है। उसके बाद आ गया हमारे पास थार का प्लेयर 10.33 OEM फिट में, OEM स्टाइल में। उसके बाद है हमारे पास 12.33 का प्लेयर थार 2020 के लिए। उसके बाद हमारे पास है सेल्टॉस, न्यू सेल्टॉस का 12.33 और ये आपका जिमनी का 12.33। तो ये कुछ इस तरीके के OE फिट एंड्रॉइड इस बार हम लाए हैं और कुछ चीज़ें हैं आइए। उसके बाद प्रीत जी ये हमारी MS लाइट है 1 ईयर वारंटी के साथ, बहुत अच्छी लाइट है, ब्राइटनेस भी अच्छी है, K3 में है। ये हमारे पास K4 में है रनिंग लाइट 1 ईयर वारंटी के साथ। सारे एंड्रॉइड्स TS7, T5, TS9, 464, कारप्ले सब अवेलेबल है। ये हमारी बेस ट्यूब्स 8 इंच, ये हमारी बेस ट्यूब 10 इंच, कुछ कैमरा सेक्शन हो गया, कुछ चार्जर सेक्शन हो गया, 360 कैमराज हो गए, स्पीकर्स हो गए, चार्जर्स हो गए। चार्जर में बहुत बहुत वैरायटी है 3.4, 4.8, PD चार्जर, डबल USB, USB प्लस PD, बहुत अच्छे। सबसे अच्छा हमारा चार्जर है 130 वॉट का PD में प्लस USB। ये इसकी केबल ही आपको पता लग जाएगी चार्जर के साथ, बहुत ही प्रीमियम और बहुत अच्छी क्वालिटी में। ये आप आ गए रूफ लाइट्स LEDs 300 वॉट, 240 वॉट, 150 वॉट, 1110 FM, DVR के मॉडल्स 9.66 इंच। फ्रंट एंड बैक टच में ये एडास फीचर के साथ एक USB हमारा रिकॉर्डर है जो एंड्रॉयड के साथ चलेगा। कुछ प्रोजेक्टर्स 3 इंच में अवेलेबल है, सिंगल कलर, डबल कलर, ट्रिपल कलर। उसके बाद 2 इंच में दिखाता हूँ आपको मैं एथेंस में 2 इंच का प्रोजेक्टर। उसके बाद थार के ग्रैब हैंडल हैं, स्टोन मेड की इंपोर्टेड वायरिंग है स्पीकर वायर, ये हमारा हिंज हो गया थार के लिए, प्रीमियम लुक एंड हैवी। उसके बाद हमारी एम किट हो गई इंपोर्टेड, इन्फ्लेटर्स हो गए, स्टीयरिंग कवर इंपोर्टेड, 300 वॉट LED। ये हमारा एक प्लेयर रह गया था प्रीत जी स्कॉर्पियो वैन के लिए डेडिकेटेड फुल फिट। इस बार हमने एक आर्मरेस्ट लॉन्च किया है कार वाइज प्रीमियम एंड बहुत अच्छी क्वालिटी में। ये उसकी एक फ़ोटो है, मैं रियल प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हूँ। साथ में एज यूजुअल हमारा था 2020 का आर्मरेस्ट, ये उसका दूसरा मॉडल। अब मैं आपको तीनों चीज़ें दिखाता हूँ प्रीत जी, आइए। जैसे आप देख रहे हैं सारे कस्टमर्स इस टाइम खड़े हैं मेरे पास, सबको ये चीज़ पसंद आ रही है क्योंकि ये रेडी टू इंस्टॉल है, कोई ड्रिलिंग नहीं करनी, कोई मैकेनिक रिक्वायर्ड नहीं है। पीछे आपका AC का जो बॉक्स है, जो वेंट है, वो भी कवर नहीं होगा, आपने सिर्फ ये लगाना है। स्टिचिंग ब्लैक अवेलेबल है अभी और ग्रे में भी मिल जाता है और बेज में भी मिल जाता है। बेज इसमें कम्प्लीट डिज़ायर वगैरह अर्टिगा के लिए अवेलेबल है। अब आपको मैं दिखाता हूँ थार के आर्मरेस्ट। ये थार का आर्मरेस्ट है हमारा चार्जर के साथ, ये आपने बॉटल रखी और ये आपने अपना फ़ोन रखा। ये है क्रिस्टा टैन, ये XL6 के लिए, MG हेक्टर, किया कैरेंस XL6, क्रिस्टा टैन, क्रिस्टा ब्लैक,
MG Hector, Kia Carens, मोस्टली सब अवेलेबल है. इनोवा हाई क्रॉस मोस्टली बेबी सीट्स अवेलेबल है. आपने सबसे पहले तो चैनल है वो सब्सक्राइब करना है आपने, और दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर है उस पे आपने एक व्हाट्सएप करना है, अपना विजिटिंग कार्ड भेजना है और आपकी क्वेरीज के आंसर आपको मिल जाएंगे. तो भाई आज की वीडियो में एथेंस की जो पूरी रेंज है वो मैंने आपको दिखाई, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनके वन बाई वन हम प्रोडक्ट रिव्यू करने वाले हैं. उसके लिए आपको इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना पड़ेगा. साथ ही साथ 2024 ऑटो एक्सपो में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी आप हमें शेयर करना, कमेंट करना. उससे हमें पता चलेगा कि आप विजिट करने आए तो आपको क्या कुछ नॉलेज मिली इस पर्टिकुलर एक्सपो से.